पहले पार्ट में हमने देखा कि पौनी का एडमिशन भोपाल के कॉलेज में हो गया। अब आगे, रिशिता एक दिन पहले ही अपने पापा के साथ भोपाल पहुंच चुकी थी। पौनी की भोपाल जाते समय दादी रोने लगी, बेटा जाओ तुम भी हमें छोड़कर चले जाओ, जब तक तुम लौटोगे ना हम स्वर्ग में बैठे रहेंगे। तभी पौनी ने कहा, दादी अभी तो आपकी भैया की शादी में पढ़ाई भी करनी है, ऐसा कैसे दादा के पास चली जाओगी। अरे मोड़ी, हम जावे से पहले तुम्हारे और दामाद के पैर पखाल लेते तो गंगा नहा लेते, दादी ने कहा। हम कह रहे हैं ना दादी, पहले अपने पर पोते पोतियों को गोद खिलाओ, बाद में बाकी अरमान पूरे करना। अभी आपकी उम्र ही क्या है, मात्र 85 साल, आप तो खेलने कूदने की उम्र में हैं अभी। दादी हंसने लगी, चल मोड़ी हमसे मस्खरी कर रही है। पौनी को उसके मम्मी पापा दोनों ही छोड़ने छतरपुर से भोपाल निकल चुके थे। रास्ते में जब पौनी को भूख लगी तो कल्याण जी ने एक प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट पर गाड़ी रोक दी। वह तीनों जैसे ही ढाबे के गार्डन के एरिया में एंटर हुए, उनको साइड में कुछ लड़के लड़कियों की मस्ती करते हुए आवाज़ें आ रही थी। जब उस तरफ देखा तो वहाँ तीन लड़के और तीन लड़कियाँ बियर पीते हुए ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। चूँकि दोपहर का टाइम था तो वहाँ उन लोगों के अलावा इक्का दुक्का लोग ही थे। पौनी ने टीवी में ही ये सब देखा था और आज वह हकीकत में देख रही थी। उसने तो आज तक शराब की बोतल भी सामने नहीं देखी थी, फिर और चीज़ों की बात ही क्या। उसे ये सब बड़ा ही अजीब लग रहा था। वैसे तो पौनी के दादाजी एक बड़े अच्छे खासे ज़मींदार थे। पूरे क्षेत्र में उनके परिवार के लोग पौराणिक महाराज के नाम से जाने जाते थे, लेकिन इतनी बड़ी जमींदार होने के बाद भी इस पंडित परिवार में कोई तामसिक प्रवृत्ति नहीं थी। घर में रोज वेद पुराणों का पठन पाठन होता था, सब सात्विक भोजन करते थे, इसलिए पौनी को इन सब चीज़ों से शुरू से घृणा थी। पौनी, उनके पिता और उनके माता जी जाकर चेयर पर बैठ गए। तभी कल्याण जी ने अंजना जी से कहा कि इस सुमसाम ढाबे पर न आकर भोपाल में किसी रेस्टोरेंट में चले जाना चाहिए था, यहाँ तो दिन दहाड़े और तो लड़कियों की शराबी खोरी चल रही है। कल्याण जी को यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। पौनी अभी भी उन लोगों को तिरस्कार की नज़रों से देख रही थी, जाहिर सी बात थी उसे ये पसंद नहीं आ रहा था। पौनी के पिताजी ने जब पौनी की ओर देखा तो उन्होंने पौनी से कहा, गुड्डन उस तरह बिल्कुल भी मत देखो, तुम जितना उन लोगों को देखोगी वो तुमको उतना ही दिखेंगे। पौनी ने तुरंत अपनी नज़रें वहाँ से हटा ली। पौनी मन में सोचने लगी कि लड़के तो फिर भी ठीक है, ये लड़कियाँ भी ऐसी हरकत कर सकती है, छी। कुछ देर बाद वह 6 लड़के लड़कियाँ दो दो के जोड़े में उल्टी सीधी हरकतें करते हुए एक दूसरे के गले में हाथ डाले स्मोक करते हुए बाइक से वहाँ से चल दिए। उनके जाने के बाद पौनी ने राहत की सांस ली। थोड़ी देर बाद एक वेटर आकर खाना लगाने लगा। कल्याण जी ने उस वेटर से बोला कि आपका ये फैमिली का ढाबा है ना, तो ये लड़की लड़कियाँ कैसी हरकतें कर रहे थे, वहाँ तो लिखा है कि शुद्ध शाकाहारी खाना मिलता है, लेकिन ये सब पता नहीं खाना कैसा होगा, हमारा धर्म भ्रष्ट करना है क्या। तो वह वेटर बोला, सॉरी सर आप ब्राह्मण लगते हैं तभी कह रहे हैं, चिंता मत कीजिए पीछे की तरफ बार है, ये सब वहीं मिलता है, अब खाने के साथ आजकल ड्रिंक की मांग होने लगी है इसीलिए ये सब रखना पड़ता है साहब। ये ढाबा भोपाल और इस शहर के बीच पड़ता है, ये जो लड़के थे वह भोपाल के थे और लड़कियां इसी शहर के अच्छे भले घरों की लड़कियां हैं जो अपने माँ बाप से कॉलेज पढ़ने का बहाना करके आती है, ये इनका हमेशा का काम है सर, हम रोक नहीं सकते, इतना कहकर वेटर चला गया। पता नहीं अब क्या देखने को मिलेगा, आज तो सार्वजनिक स्थानों पर भी लड़के लड़कियां नशे में धुत पड़े हैं, बड़ों की कोई मर्यादा ही नहीं रही है, पूरी संस्कृति को ही बिगाड़ रहे हैं ये लोग, छी। अब कल्याण जी पौनी की तरफ देखने लगे। पौनी को दादी की बातें याद आने लगी, शायद दादी सही कह रही थी। अब पौनी को लगने लगा था कि उनके पापा जी यहाँ का माहौल देखकर कहीं गुस्सा होकर उसे वापस छतरपुर न ले जाए, यह सोच रही थी कि ये सब पापा के सामने ही होना था क्या। गुड्डन ध्यान से सुनो हमारी बात, अगर कभी भी ऐसा कुछ होता है जो तुम्हारी मर्जी से नहीं हो रहा है या कुछ भी गलत लगे तो तुरंत बताना, कुछ भी छुपाने से हम उस चीज़ के को एक तरह से बढ़ावा ही देते हैं, तुम समझ रही हो ना,
इन बड़े शहरों में ना कोई हमारा चाचा होता है, ना कोई मामा होता है और हमारा कोई नहीं होता है। सब अपने मतलब के लिए साथ रहते हैं, इसलिए सतर्क रहना, उनके पिताजी ने कहा। जी पापा, हम रिशिता के अलावा और किसी से बात नहीं करेंगे। गुड्डन, पापा ने ये नहीं कह रहे हैं कि किसी से बात नहीं करनी, पढ़ाई में तो सब मदद की ज़रूरत पड़ेगी। वह यह कह रहे हैं कि अपनी पढ़ाई से ही मतलब रखना। जी मम्मी, हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और हाँ, कहीं भी अकेले मत जाना, चाहे काम हो या ना हो। आजकल समय बहुत ख़राब हो गया है, अपने रूम तक ही भरोसा नहीं है, बाकी तो फिर भी पराए हैं। मणि आंटी और रिशिता तो होगी ना हमारे साथ मम्मी, फिर भी सतर्क रहना जरूरी है। हमें किसी से मतलब नहीं है, इससे ये नहीं कह सकते कि किसी को हमसे भी मतलब नहीं होगा। जी जी मम्मी। खाना खाकर वह लोग फिर से भोपाल की ओर निकल चुके थे। वह लोग भोपाल आधे घंटे में ही पहुंच गए थे, क्योंकि उस शहर से भोपाल की दूरी ज़्यादा नहीं थी। पौनी ने कॉलेज पहुंचकर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लिए थे। कॉलेज के लौटते समय पौनी, उनकी माता और उनके पिताजी कल्याण कॉलेज कैंपस देखने चले गए। तभी उन लोगों के बगल से होकर लगातार 3 कार खड़ी हुई और उनमें से एक नेता, उनके कुछ आदमी निकल कर कॉलेज के सेमिनार हॉल में चले गए। कल्याण जी ने जब वहाँ उनके साथ आए मणि आंटी के पति परम अंकल से पूछा कि ये कौन है। ये यही लोकल एरिया के MLA अरिदमन सिंह राणा हैं, इनको तो आप जानते ही होंगे, परम ने कहा। अच्छा, तो ये हैं वह जिन पर पिछले साल मर्डर केस हुआ था। जी वही हैं, क्या करें, पॉलिटिक्स बहुत ख़राब चीज़ होती है, पर इनके काम बहुत अच्छे हैं। कल्याण जी ने सिर हिला लिया। पौनी और रिशिता एक गर्ल्स PG हाउस में रहने वाली थी, जो कि रिशिता के रिलेटिव्स मणि आंटी का था। कल्याण जी और अंजना जी ने पौनी को PG में छोड़ा और शाम को ही रिशिता के पापा के साथ पौनी और रिशिता को हिदायत देकर वापस छतरपुर लौट गए। देर रात तक रूम शेड करने के बाद पौनी और रिशिता खाना खाकर आखिर सो गए। अगली सुबह दोनों भोपाल का नज़ारा देखने वाले थी। भोपाल आना पौनी की लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, यहाँ उसकी डेस्टिनी उसका इंतज़ार कर रही थी। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक्स जरूर कीजिए। धन्यवाद।